वक्त के साथ साथ अब यातायात पुलिस भी हाईटेक होती जा रही है। इसी कड़ी में डीजीपी कपिल गर्ग ने यादगार में जयपुर शहर की यातायात पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर अजयपाल लांबा और डीसीपी जयपुर ट्रैफिक राहुल प्रकाश भी मौजूद रहे। इस अत्याधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम में एलईडी वॉल पर शहर में लगे करीब 700 कैमरों की लाइव विजुअल देखे जा सकेंगे। साथ ही अत्याधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल रूम के जरिए यातायात पुलिसकर्मी शहर की यातायात व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले 18 यातायात पुलिसकर्मियों को डीजीपी गर्ग ने सम्मानित किया। कैमरा का फीड देख सकते हैं, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में अपेक्षित सुधार होगा, बहुत अच्छा इनका प्रयास है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ कि हमने इतना अच्छा कर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जयपुर यूनिवर्सिटी अपने से आने वाले इसका प्रतिफल ये मिलेगा, हमारी बेहतर आपके पूरे शहर का ट्रैफिक जहाँ से संचालित हो रहा है जिस जगह से, अगर वो लोग डिसकंफर्ट में बैठे रहेंगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है कि गर्मी, पसीना और जगह भी नहीं है बैठने की, तो आपस में कोऑर्डिनेशन करके सही तरीके से ट्रैफिक को चलाना। और इसमें आप देखते हैं कि बार बार व्यवस्थाएं बदलती हैं, अचानक से अगर मान लो कोई VIP कार्यक्रम बन रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई और बात हो गई, तो तुरंत चीजों को बदलना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोगों ने जरूरी समझा कि थोड़ा स्पेशियस हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो, और उसके साथ साथ चीजें व्यवस्थित हो। व्यवस्थित होने के का जो दूसरा पहलू था वो था मॉनिटरिंग में उस छोटे से कमरे में कर पाना संभव सा लग रहा था। यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो वॉल है जिसमें कि हम लोग न सिर्फ अपने कैमरों को एक्सेस कर रहे हैं, बल्कि अभय कमांड सेंटर के सारे कैमरों को एक्सेस कर रहे हैं। तो जिस भी पॉइंट को हमें देखना होता है, हम सीधे कंट्रोल रूम से उसको देख लेते हैं, उनको निर्देश दे सकते हैं, उनकी समस्याओं को भी समझ सकते हैं।